मंदिर क्यों बनाना चाहिए? क्या कारण है कि एक हिंदू सनातन धर्मी के लिए मंदिर बनाना कंपलसरी कर दिया है? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, धर्म ग्रंथ कहते हैं, संत कहते हैं कि जब इंसान माता के गर्भ से जन्म लेता है तो देखा होगा बेटा हो या बेटी, मगर जन्म लेते ही वो बालक जोर जोर से रोने लग जाता है। रोता है कि नहीं? आज तक आपको यह मालूम नहीं? कई लोगों से पूछा तो उन्होंने एक सीधा सीधा बात बता दी, किस लिए रोता है कि पेट के अंदर उसको भगवान के दर्शन हो रहे थे। कहता था गर्भ कुंड से बाहर निकाल दे, तेरा भजन करूंगा, लेकिन गर्भ से बाहर आते ही संसारिक माया की हवा लग गई, सो रो रहा है। ये बात तो वेदांत की है, मगर असली क्यों रोता है? धर्म ग्रंथ कहता है, जाय मानो व ब्राह्मणो स्त्रीभिर्नेवा जायते, जाय मानो ब्राह्मणो स्त्री भी ऋणवा जायते। जब भी कोई मानव शरीर हिंदू धर्म में सनातन धर्म में जन्म लेता है, क्योंकि हमारी सनातन धर्म की मान्यता है, अन्य धर्मों में भी यह होता है लेकिन उन धर्मों की मान्यता नहीं है, जन्म लेते ही उस मानव शरीर पर तीन प्रकार के ऋण चढ़ जाते हैं, तीन प्रकार के कर्ज चढ़ जाते हैं। और जिस पे कर्ज चढ़ जाए वो रोएगा कि हंसेगा, बोलो ना? रोएगा। कौन कौन से कर्ज? पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण। अब ये भी पूछोगे ये ऋण कैसे चढ़े? ये मानव शरीर पांच तत्वों से बना है। ये मानव शरीर किससे बना है? पांच तत्वों से मानव शरीर बना है, धन्यना। और इस मानव शरीर के जो पांच तत्व हैं, धन्यना, इसके पांच देवता मालिक हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीर, आकाश पृथ्वी अग्नि हवा और पानी। तो इस शरीर में जो पांच चीजों से हमारा यह शरीर बना है, इस शरीर के द्वारा जो पांच तत्व हमें मिले हैं, उन पांच तत्वों के सनातन धर्म के प्रमुख पांच देवी देवता हैं। केवल पांच देवी देवता हैं। हमारे सनातन धर्म एक परिपाटी बना दी, लोगों ने सनातन धर्म को बिगाड़ने के लिए कहा, बोले सनातन धर्म में तो 33 करोड़ देवी देवता है। क्योंकि हम बड़े भोले भाले हैं, हमने कहा इतने करोड़ देवता हैं, धन्यना। यह करोड़ शब्द केवल उन लोगों ने लगाया है जो सनातन धर्म से विरोध करते हैं, सनातन धर्म को गिराने के प्रयास करते, अभ्यास करते हैं। यह करोड़ शब्द नहीं है, यह कोटि शब्द है। 33 कोटि शब्द धर्म ग्रंथों में दिया है, किसी धर्म ग्रंथ में करोड़ शब्द नहीं गया।